व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और सीन कुछ ऐसा है, सीन तो आपको मार्केट का देख के पता चल गया होगा, आज है धनतेरस का पावन पर्व। और हर बार की बार इस बार भी हम आपको धनतेरस में रामनगर की मार्केट घुमाने लेके आए हैं। और साथ में हमारे मन्नू राणा जी और पुनीत बड़ाई जी। देखिए हर धनतेरस की उसमें जब हम आपको घुमाते हैं ना, तो ये दोनों हमारे साथ रहते हैं। और बॉडी का शब्द तो ऐड हो गया। और आज हम लोग लगभग 1,00,000 रुपए लेके आए हैं धनतेरस में शॉपिंग कर रहे हैं। आज पुनीत भाई हम तीनों ना 1,00,000 रुपए लेके आए हैं। पूरे 1,00,000 रुपए लेके आए और शॉपिंग क्यों? अच्छा 1,00,000 रुपए लाना। क्या कह रहे हो, पर्स नहीं लाया? तो भैया अभी हम चूड़ी गली में, सबसे पहले मन्नू भाई कहाँ जाएंगे हम बताओ? भैया सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं, देखिए पॉपअप बम में हमारे भाई ने बताया, देखिए एक नए तरीके से फोड़ना, हाथ में फोड़ दे रहे हैं, फोड़ के दिखाओ हाथ से। ये देखिए बम ट्राई करूंगा, ये मेरे बेटे का फेवरेट बम है पॉपअप, और ये हाथ से फोड़ दे रहे हैं। अनुवाद तुम फोड़ो। पुन्नी भाई तुम फोड़ो, बताओ फिर, बताओ 10 रुपए का दे रहे तो बताओ दाना, 10 का कितने लोग 50-60 ना, इतनी थोड़ी लेंगे क्या, पूरे 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 साल भर थोड़ी फोड़ने हैं, एक ही दिन तो फोड़ने हैं ना। बताओ कितने लोग बताओ, अरे 100 रुपए के दे दो, 10 बहुत जाएंगे है ना, दे दो 100 रुपए के दे दो, कम कर लोगे। ये मेरे एक्चुअली पारस के फेवरेट हैं, उसने कहा था पापा आप जाओगे तो इसको जरूर लेके आना, और किसी को मत लेके आना, और चाहे कोई लाओ ना लाओ लेकिन इसको जरूर लेके आना। इसलिए सबसे पहले आते ही मार्केट में जो हमने वो करी शॉपिंग करी है, इसी की करी है, क्योंकि सबसे पहले पारस का ध्यान रखा जाए। और देखिए पुन्नी ये, अरे पुन्नी भाई काउंट तो करो, 10 है ये अकाउंटेंट है, ये मेरे मैनेजर है ना, 4-8 है? ये मैनेजर है ना हमारे यार, सब कैश कोई नहीं देखेगा, 1,00,000 रुपए लग के रहे हैं आज हम। और देखिए पहली शॉपिंग हो चुकी है हमारी, और आज मैं तुम दोनों भाइयों का टेस्ट लेता हूँ, चलो और कुछ तो नहीं है बोलने के लिए। एक चीज है, देखो आप रामनगर के निवासी, और मोस्टली ऐसा होता है रामनगर, एक कई ऐसे लोग हैं रामनगर में रहते हैं लेकिन उनको रामनगर की जितनी भी मार्केट की जो गलियां हैं उनके नाम नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं मन्नू भाई से पूछूंगा, मन्नू भाई इस गली का नाम बताओ पहले, कौन सी तुमने इधर उधर देखने दे, पढ़ के नहीं बताओगे यार, फर्जी पढ़ाने होगा, पढ़ लिया इन्होंने तो, पढ़ के नहीं, पढ़ के बता रहे हो, पढ़ के ऐसे थोड़ी होगा यार, पढ़ के बता रहे हो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये होगी ज्वाला लाइन, कसम से ये वाली लाइन लाइन इन्होंने तो पढ़ के बताया है। किसने? तुमने? मैं देखा यार, खाली यार, खाली यार। सही बता दिया था? मतलब तुम्हारी कॉलेज की स्कूल वाली आदत नहीं गई, मतलब चीटिंग करके हैं, नकल मारने की। और ये देखो ये बंदा बता रहा है नंदा लाइन, अच्छा कितने साल से रह रहे हो रामनगर में? इन्होंने सही बता दिया, इन्होंने बिल्कुल राइट बताया है, ज्वाला लाइन है, मन्नू भाई जीत गए इसमें, उन्होंने बिल्कुल राइट बताया ज्वाला लाइन, लेकिन मुझे लग नहीं रहा तुमने कन्फर्म बताया है, तुमने इधर उधर पढ़ने के बाद बताया। अरे मैंने पढ़ा नहीं है सही, खाली 100% पढ़ के भी कसम खिलवा भाई साहब, वीडियो में सबने देखा है, तुमने इधर उधर पढ़ के बताया, मैंने पहले कहा पढ़ के मत बताया, तुमने पढ़ के बताया। तो पुन्नी भाई, अच्छा पुन्नी भाई इससे अब एक इससे आगे वाली लाइन का नाम बताओ, बताओ एकदम राइट, और उससे आगे वाली लाइन का नाम बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखिए कौन ये देखा, ये अक्सर ऐसा होता है, मतलब जो लोग लोकल के होते हैं, लोकल में रह के ही उनको लोकल की जानकारी कम होती है और बाहर वालों को ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इन दोनों को अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है। एक बार कोशिश करी थी सारे लाइनों को याद, अच्छा जो बोल गया सबसे तगड़ा था, ज्वाला लाइन के बाद जो उधर आती है उस लाइन का नाम बताओ, जो कृष्णा वाली दुकान है, कृष्णा पंसारी उस वाली लाइन का नाम बताओ। चलो फिर से एक टास्क है तुम दोनों के लिए, घूम भी रहे हो टास्क भी खेल रहे हैं, तब जरा इन्जॉयमेंट हो रहा है, मज़ा भी आ रहा, नहीं तो बोर हो जाएंगे फिर हम। और ये देखिए पाखी मिल गई हमें, पाखी हाय कर दे बेटे, हाय कर, देखिए पाखी और आंटी घूम रहे हैं, और ये मन्नू भाई हमारे साथ घूम रहे हैं, आंटी और सुंदर भाई घूम रहे हैं,
चलो भाई बताओ जल्दी से, बताओ पुन्नी भाई, बताओ जल्दी से पुन्नी भाई, बताओ ज्वाला के बाद बताओ कौन सी। एक तो तुम अपनी पहले हाइट कम करो, तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ता है मुझे, लो एंगल में आ जाता है, घट नहीं सकती, तुम बढ़ाओ यार इन दोनों का, बताओ जी के कितना खत्म है इन दोनों का, देख रही है रामनगर, मतलब 35 साल के ये है, 40 साल के ये है, उसके बाबाजी हैं बचपन के, उसके बाबाजी ने इन दोनों को लाइनों के नाम नहीं बताया, ये हैं 60 साल के। अरे मुझे तभी पता लाइनों के नाम फिर है, तभी एक्सपीरियंस है ज्यादा, हमें उनको 60 का इनके बराबर, तब देखो हम कैसे बताते हैं। ये देखो गाइस अभी हम लोहारा लाइन में, लोहारा लाइन में देखो, धनतेरस के दिन ना जो रामनगर की सबसे ज़्यादा व्यवस्था लाइन रहती है वो लेती है लोहारा लाइन। एक्चुअली लोग यहाँ पे नए बर्तन वगैरह खरीदते हैं तो बर्तन लाइन इसी में है, मोस्टली लाइन इसी लाइन में ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे तो रामनगर की धनतेरस वाले दिन सभी लाइनों में भीड़ रहती है, लेकिन जो ज़्यादा रहती है वो लोहारा लाइन में रहती है, क्योंकि बर्तन वगैरह लोग यहीं से परचेस करते हैं। और हमने तो बर्तन वगैरह नहीं लेने, वो सब फैमिली ने, घर वाले अन्नू और मम्मी वगैरह आए थे वो सब ले गए, बट हम तो कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ लेना था, हमने पैंट वगैरह लेनी है और कुछ टी शर्ट लेनी है जिम के लिए, जिम के लिए टी शर्ट और ट्राउजर्स वगैरह लेनी है, उसके बाद हम निकलेंगे। घर का जो सारा सामान था जो धनतेरस की शॉपिंग थी, झाड़ू पोछा, वो सब घर वाले ले गए हैं, हम नहीं ले गए। पालिका मार्केट से हमने लेनी ट्राउजर्स और टी शर्ट, ट्राउजर्स तो मुझे पसंद नहीं आए तो इसलिए मैंने ली नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा कलेक्शन बाद में आएगा तो तब ले लेना। और हमारे पुन्नी भाई ने भी एक टी शर्ट ले ली है, देखिए ये लग रही है, कैसी लग रही है पुन्नी भाई पे टी शर्ट, ज़रा कमेंट में बता दो कैसे लग रहे हैं पुन्नी भाई, मतलब पुन्नी भाई को ये टी शर्ट इतनी पसंद आ गई है कि इन्होंने अपनी जो पहन कर आए थे वो रख दी पॉलीथिन में और इसको हैंड टू हैंड पहन लिया। पुन्नी भाई है ना, अच्छा लग रहा है ना, टर्टल नेक लग रहा। और मन्नू भाई को कुछ पसंद नहीं आया, तो मन्नू भाई अब हम फिर से जा रहे हैं अपने मित्र, सबसे परम मित्र जीवन भाई, क्या चल रहा है जीवन भाई, क्या चल रहे हैं ना थोड़ा सा भाई को अपने बटुए की हालत। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लखनपुर चुंगी में अपने बता रहा है। परम मित्र जीवन भाई के यहाँ, अरे लूट रहा है ये 250 रुपए। और मन्नू भाई को साथ में लाने का कारण भी तो बता दो। मन्नू भाई सच में बता दो, मन्नू भाई बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, है भाई पुन्नी भाई, मन्नू भाई बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बढ़िया, इसीलिए ने पैरों में पड़ जाते हैं। तो भैया जी अभी सीन कुछ ऐसा है, पहुंच चुके हैं अपने मित्र जीवन गिफ्ट एंड टेडी स्टोर पर, और देखिए ये लग चुकी है जीवन भाई की दुकान, और ये हमारे मित्र जीवन भाई। जीवन भाई क्या हाल चाल है? हेलो हेलो चंदू भाई, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी यूट्यूबर मित्र को धनतेरस की शुभकामनाएं। और देखिए जीवन भाई इस बार भी बहुत यूनिक आइटम लेके आए हैं अपनी दुकान पर, ये देखिए जो भी आइटम आपने परचेस करना हो तो प्लीज़ लखनपुर चुंगी पे आए हैं आप। और ये देखिए एक एक से बढ़िया आइटम है आपको दिवाली का, फोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, ये इसकी वीडियो, ये देखिए वाओ, शिव पार्वती का परिवार की, देखिए कितने की है जीवन भाई ये 4000। और ये जो गणपति ये दिखाओ कुछ यूनिक है, हाथ में उठा के दिखाओ जीवन भाई, ये देखिए ये गणपति कितने के लग जाएंगे? 1000 रुपए के, देखिए बेहतरीन गणपति और लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा लाइफ टाइम की, अरे वाह बेहतरीन गारंटी दे रहे हैं। और देखिए इधर भी कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं हमारे जीवन भाई ने, हर बार की तरह इस बार भी देखिए जीवन भाई भी कुछ यूनिक आइटम लेके आते हैं यहाँ के लिए, बहुत बढ़िया आइटम। और आप लोगों ने अगर कुछ भी परचेज करना है दिवाली से संबंधित, कोई गिफ्ट वगैरह कुछ भी करना है, लाइटिंग वगैरह लेनी है, तो एक बार जरूर यहाँ लखनपुर चुंगी पे जीवन गिफ्ट एंड टेडी स्टोर पर जरूर आएँ। और ये एक टैडी है देखिए हमारे जीवन भाई की टैडी है, जीवन भाई की टैडी को दिखाओ, ये देखिए हमारे जीवन भाई की गुड़िया, जीवन भाई की बेटी, बेटे पापा का नाम क्या है तेरे? मैं नहीं हूँ, ये अच्छा ये चाहिए आपको, ये कैमरा है, फोटो खींच लो कैप्चर कर लो है। और ये मन्नू भाई हमारे प्रैक्टिस करते हुए, ये देखिए अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हुए मन्नू भाई, तो चले फिर मन्नू भाई हेटे फिर, चलो फिर हेटो जल्दी से हेटो। और एक बार फिर से आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और एडवांस में दिवाली, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी शॉपिंग हो चुकी है, अब घर से अन्नू का फ़ोन आ गया जो सामान लेके मुझे जाना है, और अब पुनीत भाई भी को भी हम रवानगी करते हैं, पुनीत भाई को घर चले जाएँगे, मन्नू भाई और मैं उधर से निकल जाएंगे,
और अब आपसे मिलेंगे सीधा दिवाली के दिन। दिवाली के दिन दिखाएंगे आपको, दिवाली के दिन घर का ब्लॉग आएगा, एक शानदार सा बहुत बढ़िया सा ब्लॉग आएगा, आपको घर का डेकोरेशन दिखाया जाएगा और मेरा घर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है वो भी दिखाया जाएगा। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा दिवाली वाले ब्लॉग में। अपनी भाई फिर हाई कर दो, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हेलो हेलो, मिलते हैं, हैप्पी धनतेरस अगेन, एंड दिवाली आपकी बहुत बहुत अच्छी जाए, एंजॉय करिए।